एक दिन आपके दरवाजे पे जब डोरबेल बजा, दरवाजा आपने खोला, सामने एक सूट बूट में इंसान खड़ा है। आपने पूछा, भाई कौन हो, क्या चाहिए? मैं कृष्ण। कौन से कृष्ण? वही जिन्हें तुम बरसों से याद करते थे, वसुदेव कृष्ण। इतने बरसों से तुम मेरी भक्ति कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें देख सकता हूं। तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। कोई और ना देख पाएगा ना सुन पाएगा। अब मैं 24 घंटे हमेशा हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जिंदगी जीकर दिखाओ। अभी दुकान पे अपने कस्टमर को बोल के दिखाओ कि जितना सस्ता मैं आपको देता हूं उतना सस्ता तो मैं किसी और को नहीं देता हूं। कृष्ण बाजू में खड़े, बोलो। अपने कोई डीलर के साथ बात कर रहे हो फोन पे, तब बोल के दिखाओ कि यार जिस रेट पे आप मुझे दे रहे हो उसमें तो मुझे कुछ कमाने को ही नहीं मिलता है। जिस दिन घर पे लेट पहुंचो और बीवी पूछे क्यों लेट हुए, कृष्ण बाजू में खड़े, जवाब दो क्यों लेट हुए, जवाब दो। बस इसी वजह से हम अपने भगवान को मूर्तियों में और फोटोग्राफ के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन वो बाहर निकल आएंगे और इसी वजह से मेरे लिए कृष्ण एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब है सभानता, अवेयरनेस। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप उनकी सभानता के साथ, अवेयरनेस के साथ जिए, ना कि उनके फोटोग्राफ के साथ, ना कि उनकी मूर्ति के साथ। फोटोग्राफ्स और मूर्तियां बनी है सभानता लाने के लिए, कि भाई जितनी बार वो देखे या अपने वॉलेट में से वो फोटोग्राफ देखे तो याद आए, सभानता मिले कि वो हमारे साथ है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सच ये है कि वो हर जगह है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप कोई मंदिर से गुजर रहे हैं, आपके पास वक्त है कि आप गाड़ी पार्क करके मंदिर में अंदर जाके माथा टेक सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन वो वक्त ना हो उस दिन टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि आज नहीं जा पाया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आपकी गाड़ी में जब आप ड्राइव कर रहे थे तो बाजू की सीट पे भी वही साथ में बैठे हैं। और जिस दिन ये सभानता आपके साथ है, उस दिन भले कृष्ण कथा का प्रोग्राम हो, तभी भी हमें स्टेज पर ना कोई मूर्ति की जरूरत है ना कोई फोटोग्राफ की जरूरत है, क्योंकि जब आप उस सभानता के साथ जीने लगते हैं तो हर पल, हर सेकंड, हर शब्द, हर सोच में वो ही मौजूद है। और उस सभानता के साथ जीते हुए ना आपको कभी डर लग सकता है ना कभी कोई चिंताएं आ सकती है, क्योंकि जब ये विश्वास है कि वो साथ है तो विश्वास हर किस्म के चिंताओं को और नेगेटिविटी को अपने आप खत्म कर देता है। नॉट ओनली दैट, जब वो सभानता आपके साथ है तो एक और फायदा ये मिलेगा कि आप जिंदगी में चाह कर भी गलत नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा जो धर्म का रास्ता है, जो सही और सच्चा रास्ता है, उसे ही अपनी जिंदगी के लिए अपनाने वाले हैं। बट वो तब जब उस सभानता के साथ जी सके, ना कि इस सोच में कि वो सिर्फ मंदिर के अंदर है। वहां पर तो है मगर उसके अलावा भी वो हर जगह है। जब ये समझ लेते हैं, लाइफ में एक अलग एटीट्यूड, एक अलग नजरिया मिलता है, एंड दैट्स वेयर जिंदगी जीने की भी हमारे नियम तो रूल्स चेंज हो जाते हैं।